हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई लेवल कंप्यूटिंग। मेरा नाम नटराज है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ब्रिज दिखाने के लिए ले आया हूं जो कि आजकल कम ही देखने को मिलते हैं और बहुत दूर के छोटे छोटे विलेजेस में ही आजकल देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आज हम हासरली नाम के एक विलेज के पास है। दोस्तों, ये जो विलेज है, इस विलेज को जाने के लिए यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है, इसलिए स्थानीय लोगों ने क्या किया है, बारिश के सीजनों में इस नदी को क्रॉस करने के लिए लकड़ियों और बेल को यूज करके ये ब्रिज बनाया है। दोस्तों, इस तरह के ब्रिज बनाने के लिए दोनों साइड में बहुत मजबूत पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं, दोनों पेड़ों को रस्सी बांधते हैं या फिर बेल बांध के बीच में लकड़ी डाल के अपना ब्रिज बना लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के ब्रिज पे चल के आदत नहीं है तो आपको थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि ये ब्रिज थोड़ा हिलता जुलता है, पर ये गांव के लोगों को तो ये सब आदत होती है, इसलिए वो लोग नहीं डरते, आराम से चले जाते हैं। बारिश के सीज़न में इस नदी में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए चल के या फिर ठहर के जाना तो नामुमकिन होता है, इसलिए लोग इस ब्रिज का इस्तेमाल बारिश के सीज़न में करते हैं। दोस्तों, बारिश का सीज़न ख़त्म होते ही लोग इस पर चलना बंद कर देते हैं, इसलिए थोड़ा इसका मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो पाता। ये लोग क्या करते हैं, हर साल बारिश के सीजन में फिर से इसकी मरम्मत करते हैं, लकड़ियों को चेंज करते हैं, बेल को फिर से बांधते हैं, इस तरह से इसकी मरम्मत करते हैं लोग। जो भी बच्चे स्कूल या कॉलेज को जाते हैं, उन्हें तो इस ब्रिज के ऊपर ही चल के जाना होता है। दोस्तों, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ देते हैं ताकि वो आसानी से स्कूल या कॉलेज को जा सकें। दोस्तों, ये था इस विलेज हैंगिंग ब्रिज के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।